किसी के जीवन की अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले लोग उसे पुण्य कार्य समझते हैं, लेकिन जब वह मोक्ष धाम पहुँचते हैं तो वहाँ की बदहाल व्यवस्था को देख दुखी होते हैं। आज हम ऐसे ही मोक्ष धाम की बात कर रहे हैं, जहाँ शासन की विभिन्न योजनाओं से मोक्ष धाम में शासन के लाखों रुपये खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन मोक्ष धाम में हालात जस के तस बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं सिवनी जिले के छपारा मोक्ष धाम की। ग्राम पंचायत छपारा के मोक्ष धाम में लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी सुविधाओं का अभाव है। कई योजनाओं से 3 वर्षों में लाखों रुपये खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन मोक्ष धाम में शव धाम के लिए बनाए गए चबूतरे में टीन शेड नहीं लगाया गया, जिससे बारिश के मौसम में मोक्ष धाम में शव दाह करने में परेशानी हो रही है। जबकि बेनगंगा नदी के किनारे बने इस मोक्ष धाम में बिना शेड वाले चबूतरे में शव दाह किया जा रहा है। अब देखने वाली बात तो यह है कि जब तक मोक्षधाम में टीन शेड लगाया जाता है या कार्य योजना ठंडे बस्ते में चली जाती है, या छपारा ग्राम पंचायत विगत वर्षों से भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, कहीं यह कार्य योजना में फिर से भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सिवनी से महबूब अंसारी की रिपोर्ट। हाँ जी, मैं शासन प्रशासन महोदय से निवेदन करूँगा कि मैं एक अंतिम संस्कार में आया हुआ हूँ और यहाँ पर देख रहा हूँ एक टीन सेट लगा है, उसमें भी अभी झरझर अंदर पानी गिर रहा है। अब हम जलाएं तो कैसे जलाएं, कैसे दाह संस्कार करें? और मैं महोदय जी से, शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि ये सेट को सुधारा जाए और अन्य और दो भी बचे हुए हैं उनमें भी टीन सेट लगाया जाए। इसमें एक तो पहले ग्राम पंचायत को टीयर जारी कर दिया गया है और जल्दी वहाँ पर टीन सेट लगा दिया जाएगा। पहले जो उनको एस्टीमेट प्राप्त हुआ था वो चबूतरे तक और समतलीकरण का था। वहाँ काफ़ी भारी भरकम राशि खर्च की गई, छोटा सा काम नहीं कराया गया, इस बात की भी जांच की जाएगी? अब हाँ, इस पे जो भी अगर किसी की गलती हुई होगी तो उसकी जांच करा लेंगे। पंचायत छपारा का जो मोक्ष धाम है, जहाँ लाखों के पूर्व में काम हुए हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति उसकी बड़ी दयनीय, जहाँ टीन सेट नहीं लगाए गए, उसको लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है पंचायत द्वारा? ग्राम पंचायत छपारा में जो मोक्ष धाम है वो बेनगंगा तट के किनारे निर्मित है। इसके पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विभिन्न प्रकार की योजनाओं से मोक्ष धाम में फिलिंग का कार्य कराया गया है, बाउंड्री वॉल का कार्य कराया गया है, एवं पूर्व में अन्य योजनाओं के अंतर्गत 3 चबूतरों का निर्माण कराया गया है, जिसमें पूर्व से 1 चबूतरा में सेट निर्मित किया गया है, 2 चबूतरे पर सेट निर्माण की कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा की जा रही है, जिसमें वर्तमान में तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक स्वीकृति अधिकारी से लेकर कार्य स्वीकृत किया गया है। 1 सप्ताह के अंदर पुनः शांति धाम सेट निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाकर 1 माह में पूर्ण किया जाकर ग्रामवासियों की समस्या का निदान करने की कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।